शुभ प्रभात। धार्मिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं पवित्र पौष मास के अंतिम दिवस की इस पावन भौर पर मैं सहायक कमांडेंट आशुतोष वर्दे, परम आदरणीय श्री संजय चंदर, विशेष महानिदेशक प्रशिक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, अन्य पदों एवं जीवंत प्रसारण सुविधा के माध्यम से जुड़े हुए विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारियों एवं साथियों का इस विशेष आयोजन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अब मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि CRPF गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। सभी से विनम्र अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। एडवेंचर स्पोर्ट्स अर्थात साहसिक व रोमांचक खेल के संदर्भ में मैं विनम्र अनुरोध करता हूं श्री राकेश कुमार यादव महानिरीक्षक प्रशिक्षण से कि वे इसका संक्षिप्त विवरण हमारे साथ साझा करें। आदरणीय श्री संजय चंद्रा, विशेष महानिदेशक प्रशिक्षण एवं वर्क्स, श्री जुल्फिकार हसन, श्री KS भंडारी अपर महानिदेशक, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं जवानों, आज हम एक और पन्ना पलटते हुए देखते जा रहे हैं कि जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एडवेंचर गेम्स, जिन्हें हम साहसिक गेम एवं रोमांचकारी खेल की भी संज्ञा दे सकते हैं, का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। दो महापूर महानिदेशालय में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, जहां पारंपरिक खेलों में हमारे बल का राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़ा नाम है, वहीं पर रोमांचकारी और साहसिक खेलों में हमारी उपस्थिति राष्ट्रीय पटल पर नगण्य है। आकार एवं संख्या में हमसे छोटे बल इन खेलों में संगठनात्मक रूप से भागीदारी की दृष्टि से भी काफ़ी आगे चल रहे हैं। माननीय महानिदेशक महोदय की दूरदृष्टि एवं विवेक ने हमें इन खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा उस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी, जिसका परिणाम यह है कि केवल 2 महीने के अल्प समय में हमने 3 साहसिक रोमांचकारी खेलों का आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। कार्य के प्रथम चरण में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कई सेक्टरों की पहचान की तथा उन्हें अलग अलग साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों में बल के कार्मिकों को प्रशिक्षित किए जाने संबंधी जिम्मेवारी सौंपी। इन सेक्टरों में देहरादून सेक्टर, उत्तरी पश्चिमी सेक्टर एवं आंतरिक सुरक्षा अकादमी द्वारा सार्थक एवं परिणाम मूलक पहल की गई। संस्थानों की सकारात्मक पहल का ही यह परिणाम है कि आज हम इन संस्थानों द्वारा स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग एवं ट्रैकिंग और हाइकिंग जैसे साहसिक खेलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं।
मैं आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह केवल एक शुरुआत है। भविष्य में हमारा यह अथक प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द इन साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों जैसे वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, ऑफ रोड बाइकिंग आदि खेलों को भी प्रारंभ करें। इसके लिए आवश्यकता है कि सेक्टरों द्वारा ऐसे कार्मिकों की पहचान की जाए जिनमें उचित एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ट्रेनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एवं टीचिंग स्किल्स हों, ताकि ऐसे कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण देने के पश्चात उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में विकसित किया जा सके, जो भविष्य में विभिन्न संस्थानों में पदस्थ हमारे बल के कार्मिकों को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण देने में सक्षम हों। यूँ तो साहसिक खेल भारतवर्ष में काफ़ी पुराने समय से प्रचलित हैं, परंतु इनका मुख्य रूप से उपयोग पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को आकर्षित करना ही रहा है। इन खेलों को मान्यता प्राप्त खेलों की श्रेणी में अभी तक नहीं रखा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा सकें एवं विजेताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हो सके। परंतु अब धीरे धीरे कई स्थानों पर साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में मान्यता प्राप्त खेलों के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पारंपरिक खेलों की भांति इनकी भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भविष्य हेतु तैयारी की दृष्टि से हमारे द्वारा इसके लिए संस्थागत तैयारी प्रारंभ की जा रही है। हमारे बल के जॉब प्रोफाइल की दृष्टि से भी यह उपयुक्त है, क्योंकि हमें साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों को बढ़ावा देने से ऐसे कार्मिकों का प्राप्ति होगी जो हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में भी काफ़ी सहयोग देंगे। यहाँ इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक स्थल जहाँ साहसिक खेल आयोजित किए जाएं, उनकी गरिमा एवं प्रत्येक कार्मिक की सुरक्षा को भी पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाए। इस महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बनने के लिए मैं मंच पर उपस्थित स्पेशल डायरेक्टर जनरल श्री संजय, ट्रेनिंग डायरेक्टरेट एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, महानिदेशालय के सभी साथियों, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले अपने जानबाज सिपाहियों, बैंड के कार्मिकों, विशेष रूप से देहरादून सेक्टर, उत्तरी पश्चिमी सेक्टर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकेडमी, ग्रुप केंद्र गुरुग्राम के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों का भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात इस आशा के साथ समाप्त करता हूँ कि अगली बार जब हम साहसिक खेलों के संबंध में चर्चा के लिए मिलेंगे, तब तक हम संगठनात्मक दृष्टि से न केवल सुदृढ़ हो चुके होंगे, बल्कि कुछ और साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों का पदार्पण बल में करा चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री संजय चंदर, विशेष महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारे बल की इस महत्वपूर्ण पहल के इस ऐतिहासिक समारोह में उद्घाटन भाषण द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज का दिन CRPF के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज से साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों का प्रारंभ औपचारिक रूप से किया जा रहा है। यूं तो CRPF बल में साहसिक रोमांचकारी खेल बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान औपचारिक रूप से अथवा पाठ्यक्रम का भाग बनाकर किए जाते हैं और भौतिक रूप से हमारे परिचालनिक संबंधी कार्यों में जब हमें बर्फबारी के दौरान अथवा जंगलों, नदियों एवं पहाड़ों इत्यादि में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए जाना पड़ता है, तब भी इनका प्रयोग जाने अनजाने हमारे सैनिकों द्वारा किया जाता रहा है। परंतु औपचारिक रूप से
प्रशिक्षण लिए जाने के पश्चात वह प्रशिक्षण अन्य कार्मिकों के भी उपयोग में आए एवं अधिक से अधिक लोग साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों संबंधी औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएँ, तो ये हमारी कार्य दक्षता, विशेष रूप से परिचालनिक कार्य दक्षता को निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साहसिक एवं रोमांचकारी खेलों में प्रतियोगिताओं का प्रावधान बहुत सीमित है। ये मूलतः एक व्यक्तिगत कौशल है जिसे एक दल के रूप में भी सम्मिलित किया जाता है। साहसिक खेल अलग अलग रूपों में विकसित हैं, जिन्हें बर्फ, दीवार, हवा, पानी और पहाड़ों पर आयोजित किया जाता है। इन खेलों का अनुभव करना विशेषकर बल कार्मिकों के लिए अत्यंत उत्साहजनक है। ये अनुभव हालांकि जोखिम भरा है, लेकिन इसका अनुभव हमारे बल की जीवन शैली से मेल खाता है। साहस की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु रोमांचकारी खेलों में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति साहसी कहलाता है। एडवेंचर करने वाला व्यक्ति प्राकृतिक रूप से उत्तेजित एवं उत्साह से भरपूर होता है, परंतु यदि इस बात का ध्यान रखना और प्रशिक्षण निपुणता के साथ इस हद तक पाना आवश्यक है जिससे यह उत्तेजना और उत्साह हमारे दिलो दिमाग पर हावी ना हो जाए, अन्यथा ऐसे उत्साह का परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। बहुत से लोग बंजी जंपिंग, ऑफ रोड बाइकिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि अनेक साहसिक रोमांचकारी खेल ऐसे हैं जिनमें हम आनंद उठा सकते हैं। पिछले दिनों यह निर्णय लिया गया था कि सीआरपी में भी साहसिक खेलों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षण निदेशक महानिदेशालय को भी दी गई थी और केवल 2 महीने के अल्प समय में ही प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जो सीआरपीएफ बल में 3 अत्यंत रोमांचकारी खेलों का औपचारिक उद्घाटन यहाँ कराया जा रहा है, वह अपने आप में प्रसन्नता की बात है। आज हम आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू द्वारा रॉक क्लाइंबिंग, देहरादून सेक्टर द्वारा स्कीइंग, उत्तर पश्चिम सेक्टर द्वारा ट्रैकिंग एवं हाइकिंग प्रशिक्षण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू द्वारा स्वामी विवेकानंद माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट माउंट आबू से, देहरादून सेक्टर द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम से तथा उत्तर पश्चिमी सेक्टर द्वारा रीजनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट धर्मशाला से आवश्यक तकनीकी एवं उपकरण संबंधी समझौता किया गया है और इन्हीं संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा हमारे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में हमारे मास्टर ट्रेनर इन विद्याओं में प्रवीण बने और अपने बल के कार्मिकों को स्वयं के प्रशिक्षकों द्वारा साहसिक रोमांचकारी खेलों में प्रशिक्षण का अनुभव दे सकें। मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन खेलों में भाग लेने से पहले उसका पूर्ण अध्ययन करें, अपने स्वास्थ्य एवं संभावित खतरों के प्रति सचेत रहें, खेल के दौरान सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें और पूरी सूझबूझ एवं परिपक्वता के साथ इन खेलों को खेलें ताकि किसी प्रकार के हादसे अथवा नुकसान की संभावना को टाला जा सके। जो अधिकारी एवं कार्मिक आज औपचारिक रूप से प्रारंभ होने वाले रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग एवं ट्रैकिंग के में भाग ले रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं एवं साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा संबंधी हिदायतों के प्रति बेहद सतर्क एवं सावधान रहने के लिए सलाह देना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू, देहरादून सेक्टर एवं उत्तरी पश्चिमी सेक्टर द्वारा इस कार्य में जो पहल दिखाई गई है उसके लिए इनके विभागाध्यक्षों को भी बधाई। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हमारे साथ इस ऐतिहासिक पल में जीवंत प्रसारण सुविधा के माध्यम से जुड़े हैं माउंट आबू,
देहरादून एवं धर्मशाला केंद्र, जहां विशिष्ट अतिथियों के साथ वरिष्ठ अधिकारीगण एवं हमारे साथी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम माउंट आबू, जो कि राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पर्यटन स्थल अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान प्राकृतिक रूप से रॉक क्लाइंबिंग हेतु एक आदर्श भूमि प्रदान करता है, और हमारे बल के लिए यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अरुण कुमार, निदेशक आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू को, कि वे रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हम सभी के साथ साझा करें। माननीय श्री संजय चंदर स्पेशल डीजी वर्क्स एंड ट्रेनिंग, श्री जुल्फिकार हसन एडिशनल डीजी हेडक्वार्टर, श्री के एस भंडारी एडीजी सीआरपीएफ एकेडमी, मंच पर उपस्थित अन्य सीनियर अधिकारी, सभा में उपस्थित सभी साथी, ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी मित्रगण और रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के सभी प्रतिभागी, श्री प्रीतेश सोनी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पालनपुर का, सभी का मैं आंतरिक सुरक्षा अकादमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महानिदेशक महोदय का दृष्टिकोण हमेशा से नए आयामों के विकास का रहा है। इसी का परिणाम है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में रॉक क्लाइंबिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल को भी शामिल किया गया है। हमारे इस पहले ग्रुप में कुल 26 प्रतिभागी हैं, जिनमें दो महिला कर्मी भी शामिल हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली में स्थित माउंट आबू की मजबूत चट्टानों में रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए विशेष तौर पर उपयुक्त है। जब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो न सिर्फ अपने शरीर को ऊपर खींचते हैं बल्कि तारतम्य स्थापित कर शरीर को आगे बढ़ाते हैं, जोखिम तत्वों को पार करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में कदम आगे बढ़ाते हैं और अंततः लक्ष्य पर पहुंचते हैं। यही इस खेल का उद्देश्य भी है। केरिपू बल के द्वारा चलाए गए फिट इंडिया अभियानों की तरह एडवेंचर स्पोर्ट्स भी जवानों के अंदर आत्मविश्वास एवं शारीरिक क्षमता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि सभी प्रतिभागी इस कोर्स को करने के बाद एक बदले हुए व्यक्तित्व के साथ वापस जाएंगे, जिनमें पहले से ज्यादा संतुलन, सतर्कता एवं आत्मविश्वास भरा होगा। रॉक क्लाइंबिंग को विशेषज्ञों ने शरीर के लिए सबसे अच्छा व्यायाम माना है, जिसमें शरीर के सभी अंगों जैसे हृदय, मांसपेशियां, हड्डियां, इंद्रियां, मस्तिष्क एवं शरीर के सभी संचार तंत्रों के बीच एक अद्भुत तालमेल स्थापित होता है। अर्थात रॉक क्लाइंबिंग से अच्छा कोई और व्यायाम नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग की विश्व चैंपियनशिप आयोजित करवाती है, जिसमें आर्टिफिशियल वॉल पर बोल्डरिंग क्लाइंबिंग को भी शामिल किया गया है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्लाइंबिंग को पहली बार एक प्रतियोगिता के रूप में शामिल किया गया है, जो कि कोविड के कारण अभी निरस्त हैं और शायद 2021 में इनका आयोजन किया जाए, जिसमें कि लीड क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग शामिल है। मुझे विश्वास है कि प्रतिभागी सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए, प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार काम करते हुए आने वाले बहुमूल्य 10 दिनों का सदुपयोग करेंगे, शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे एवं माउंट आबू के खुशनुमा वातावरण का आनंद उठाते हुए बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स पूरा करेंगे। माउंट आबू की चट्टानों की कठिन ऊंचाइयों पर चढ़कर जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा लेकर बल में सराहनीय कार्य करते रहेंगे। अंत में मैं सभी प्रतिभागी कार्मिकों को एक बार फिर से आंतरिक सुरक्षा अकादमी में स्वागत करता हूं एवं अकादमी को बेसिक रॉक क्लाइंबिंग कोर्स के आयोजन का अवसर प्रदान करने के लिए डॉक्टर एपी महेश्वरी महानिदेशक व स्पेशल डीजी ट्रेनिंग श्री संजय चंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एक भारतीय पर्वतारोहण संस्थान है,
जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और गुजरात सरकार द्वारा संचालित है। SVIM पर्वतारोहण से संबंधित विभिन्न प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करता है एवं श्री प्रीतेश सोनी जी वर्तमान में इस संस्था के प्रचार के रूप में कार्यरत हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा श्री प्रीतेश सोनी जी से कि वे रॉक क्लाइंबिंग कोर्स का संक्षिप्त विवरण हम सभी से साझा करें। आदरणीय श्री संजय चंदर सर स्पेशल डिजी ट्रेनिंग, श्री अरुण कुमार डायरेक्टर IASA, श्री के थॉमस जॉब DIG IASA मंचस्थ महानुभाव, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट राइडिंग SVIM की स्थापना गुजरात माउंट राइडिंग इंस्टीट्यूट GMI के रूप में 1 फरवरी 1966 में अरावली पर्वतमाला में स्थित आबू पर्वत में गुजरात राज्य के शिक्षण विभाग द्वारा की गई थी। उस दौरान गुजरात के महान पर्वतारोही स्वर्गस्थ श्री ध्रुव कुमार पंड्या के प्रयास से इस संस्था को शुरू करवाया गया था। संपूर्ण एशिया में यह एक ही ऐसी संस्था है जिसमें पर्वतारोहण से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में यह संस्था गुजरात राज्य के खेल युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग गांधीनगर के अधीन चलाया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट के अंदर वैसे तो स्पेशली रॉक क्लाइंबिंग की शिविर शिक्षण दिया जाता है, लेकिन ओलंपिक की जो तैयारी के अनुरूप हमारी जो स्पीड क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग की शिक्षा के तौर पे भी हम आगे डेवलपमेंट करेंगे। SVIM के द्वारा पर्वतारोहण के संबंधित विविध कैंप शिविर, हिमालय के विविध स्थानों में भ्रमण कार्यक्रम, हिमालय की चोटियां शिखरों पर चढ़ान, गुजरात के पर्वतीय जगहों पर भ्रमण कार्यक्रम तथा उसके अलावा भारतीय सेना अर्धसैनिक बल कोस्ट गार्ड गुजरात पुलिस एवं NDRF के जैसे सैन्य बल में भी बचाव एवं राहत में अत्यंत जरूरी पर्वतारोहण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग गांधीनगर ने एक और इंस्टीट्यूट जूनागढ़ के अंतर्गत भी वहाँ पे चल रहा है। हमारा ये जो कार्यक्रम CRPF की एकेडमी से जुड़ा हुआ है उसके अंतर्गत हम पहले भी ऐसे कोर्स उनके साथ कर चुके हैं और आगे भी हम बहुत अच्छी तरह बेहतरीन ऐसे CRPF एकेडमी के साथ ऐसे कोर्स के साथ हम वेल प्लानिंग करेंगे और आगे भी अच्छा काम करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं नमन करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब देहरादून ओली भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि समुद्र तल से 9200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बिखरी बर्फ की छटा स्कीइंग के लिए एक प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यहाँ स्कीइंग सिखाने की व्यवस्था की हुई है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री संजय कौशिक महानिरीक्षक देहरादून सेक्टर को, जो कि हमारे साथ जीवंत प्रसारण सुविधा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। महोदय से आग्रह कि स्कीइंग कोर्स का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हमारे साथ साझा करें। नमस्कार। देहरादून परिसर में उपस्थित श्री जितेंद्र कुमार महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम देहरादून एवं उनकी टीम CRPF के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय चंद्र भारतीय पुलिस सेवा विशेष महानिदेशक प्रशिक्षण अपर महानिदेशक महोदय एवं महानिदेशालय के अन्य उच्च अधिकारियों का मैं विशेष आभारी हूं एवं उनका स्वागत करता हूं, जो कि देहरादून स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम का मनोबल बढ़ाने
एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक महोदय द्वारा स्वास्थ्य एवं खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाए जाने के हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत साहसिक खेलकूद प्रशिक्षण गतिविधियों में से एक स्कीइंग कोर्स आयोजित करने की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के देहरादून सेक्टर को सौंपी गई, जिसके अंतर्गत गढ़वाल मंडल विकास निगम देहरादून के पदाधिकारियों के सहयोग से 7 दिवसीय बेसिक स्कीइंग कोर्स का आयोजन दिनांक 30 जनवरी से किया जा रहा है। मैं श्री जितेंद्र कुमार महाप्रबंधक एवं उनकी टीम का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने इस कोर्स के आयोजन को कराने में हमें हर प्रकार का सहयोग दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के बल के 20 सदस्यों की इस टीम में 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के नौजवान एवं अति उत्साही 2 उपनिरीक्षक, 3 हवलदार और 15 सिपाही शामिल किए गए हैं। टीम का कोरोना परीक्षण भी कराया गया और सभी प्रतिभागी पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। ये प्रतिभागी देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर क्षेत्र से इस प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु चयनित किए गए हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ साथ इस प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं बल के अन्य कार्मिक भी इससे प्रोत्साहित एवं प्रेरित होंगे, ऐसी हमारी पूर्ण आशा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के साहसिक खेलकूद एवं गतिविधियों में भाग लेने हेतु अथवा एडवांस कोर्सेज का लाभ उठाने हेतु भविष्य में अन्य जवान भी इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अंत में मैं पुनः महानिदेशक महोदय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के उच्च अधिकारियों का विशेष स्वागत करते हुए आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। श्री जितेंद्र कुमार, जो कि वर्तमान में गढ़वाल मंडल विकास निगम में बतौर महाप्रबंधक पर्यटन के रूप में कार्यरत हैं, मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे स्कीइंग कोर्स के संबंध में हम सभी को संबोधित करें। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। गढ़वाल मंडल विकास निगम के विषय में एक परिचय मैं आप सभी के समक्ष